हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज कर दिया जा चुका है, ठीक है। तो कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है, आप यहां डेट देख सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो है 5/2023 सीएसपी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का ये मुख्यतः ये भरे जाते हैं। लास्ट डेट है इसका 21/2023, मतलब आज से, मतलब 1 फरवरी से लेकर आप 21 फरवरी 2023 तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियली अब इसके जो कह सकते हो ना कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जा चुका है, और मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपके सामने यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनरी के एग्जामिनेशन के लिए जो है आप फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे यूपीएससी online.nic.in के वेबसाइट पे ही, मतलब ऑफिशियल यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन का भी डेट मिल जाएगा आपको 28/2023 तक, ठीक है। और आगे देखो, लास्ट डेट है, मैंने बताया दिया 21 फरवरी 2023 6 PM तक जो है इसका लास्ट डेट है जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पेनल्टी रॉन्ग आंसर आपको मालूम ही है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, 0.33% नंबर काट लिए जाते हैं, फोन वगैरह बैन ही है, आपको मालूम है एग्जामिनेशन के इंस्ट्रक्शंस के बारे में आगे हम लोग कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको सर्विसेज है, इसमें 24 पोस्ट है, सबसे प्रमुख जो है आईएएस है, जिसमें कलेक्टर वगैरह बनते हैं, फिर आईपीएस वगैरह है, पुलिस फॉरेन सर्विस है, फिर आईपीएस वगैरह है, ठीक है। आईएफएस में जो है एम्बेसडर वगैरह बनते हैं, आईपीएस वगैरह के बारे में आप जानते ही हैं, जो एसपी वगैरह सीटीएसपी होते हैं, ठीक है, एसएसपी वगैरह होते हैं। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस वगैरह है, फिर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस वगैरह है, और बहुत सारी है, इसमें लगभग 24 जो है पद हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी के दोनों मिलाकर, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो, लगभग 1105 है, ठीक है, 1105 वैकेंसी है। इस बार पिछले की अपेक्षाकृत वैकेंसी थोड़ी अधिक है, तो ये एक अच्छा है, लगभग 1105 वैकेंसी आई है, रिलीज कर दिया जा चुका है। ये सब देख लेना आप, फिजिकली जो भी है कह सकते हो ना कि डिसेबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और ये देखो एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह है, ठीक है, इसको हम लोग बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर है और फिर मेंस का भी एग्जाम सेंटर है, ठीक है। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट की बेसिस है, जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे आपके एग्जाम सेंटर उतना ही जल्दी मिलेगा, ठीक है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, इसके बाद देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज लिमिटेशन के बाद है, मिनिमम एज लिमिटेशन 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है 32 ईयर जनरल वालों का, 35 जो है ओबीसी का, और 37 जो है एससी एसटी कैंडिडेट का, पीडब्ल्यूडी का लगभग 42 एंड 45 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर अपीयरिंग कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट को छूट भी मिलता है एससी एसटी ओबीसी वालों को। और देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, ये सब सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। लास्ट डेट तो हमने बता ही दिया, 21 फरवरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब हो गया, एज लिमिटेशन भी हमने बता दिया। प्लान है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होते हैं, फिर मेंस एग्जामिनेशन होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, फिर मेंस एग्जामिनेशन के 9 पेपर होते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें इसमें बताई गई है। पेपर ए या पेपर बी क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद सारे GS1, GS2, GS3 एंड GS4 के नंबर जुड़ते हैं। 2 ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल एक ही होते हैं सब्जेक्ट के, लेकिन उसके 2 पेपर होते हैं टोटल जो है, एक लास्ट में इंटरव्यू होता है, और टोटल मार्क्स जो है 2025 मार्क्स के इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। इसमें कौन से आप लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी बताई गई है। इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यह भी मालूम रहेगा कि इसमें क्या डिटेल्ड में जो सिलेबस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी, प्रिलिमिनरी एग्जाम का देखो ये सिलेबस है, फिर मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है, पेपर 1 पेपर 2, GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 4 सारे सिलेबस दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसका सारा सिलेबस इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हुआ यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2023 का, 1000 जो है 105 वैकेंसी इसमें आए हुए हैं, निकले हुए हैं। तो एक अच्छा मौका है, बहुत सारे कह सकते हैं कैंडिडेट हमेशा पूछते रहते हैं कि इसका फॉर्म कब निकलता है, कब भरे जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी बस हम यहाँ जानेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब रिलीज कर दिए जा चुके हैं।